वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। प्यारी साध संगत जी, तुसी वेख रहे हो कथा गुरबाणी विचार। सब तो पहला तुसी चैनल नूं सबसक्राइब कर लवो ते नाल ही बैल आइकन जरूर दबा लवो ताकि हर एक वीडियो की अपडेट तुहाडे तक पहुँच सके। अते नाल ही जेकर तुहानूं इह वीडियो चंगी लगी तां इस नूं लाइक अते शेयर जरूर करियो। प्यारी साध संगत जी, बाबा नंद सिंह जी एक गुरमुख दे घर प्रशादा छकन लई चले गए, नाल उन्हां दे सेवक भी सी। जदों समां हो गया प्रशादा छकन दा, थालियां च पा के परोस दित्ता गया ते बाबा जी ने एक कंडीशन रख दित्ती। कहन लगे, गुरमुखा प्रशादा तां जरूर छकांगे पर तैनूं साडा एक वचन मनना पएगा। वह गुरसिख कहन लगा, मनन वाला होएगा तो मनांगा, ना मनन वाला होया तो नहीं मनांगा। दो तीन वारी उन्होंने यही गल कही। अखीर बाबा जी कहा, जो वचन असी तेनों मनन लई कह रहे हैं उस विच तेरा ही फायदा है। पर वह गुरसिख फिर भी मनन लई तैयार ना होया। घर वाली भी कहा कि जदों बाबा जी कह रहे ने कि तुहाडा ही फायदा है फिर तुसी मन लो। घर वाली की गल सुन के उसने हामी तो भर दी पर अंदरों डर रहा सी कि पता बाबा जी ने की कह देना। बाबा जी ने कहा कि जिथे नितनेम करदा है उथे एक पाठ सुखमनी साहब का भी कर लिया कर। बचन इन्ना ही सी, एक ढंग है, एक तरीका है, एक वैद मुन्या होया लुधियाने शहर का, उन्हें दवाई देनी ते कहना ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो दो पाठ जपजी साहब दे कर लिया करो, जे घट है तो जाप साहब दे कर लिया करो। कई लोगों पुछना उस वैद तो कि वैद जी दवाई काम करेगी कि बाणी। वैद ने कहना, दवाई अपना काम करेगी पर तुसी लोड़वंद हो, तुहानू लोड़ है तुसी दवाई खानी है, नाल बाणी भी पढ़ोगे ते तुहानू आदत पै जाएगी बाणी दी ते फिर दो चीज़ां रलनगियां ते असर भी छेती होएगा, गुरु की कृपा भी होएगी। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह।